नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मथुरा के राजीव भवन में ग्रीष्मकालीन के दौरान आने वाले फरियादियों को प्यास से व्याकुल रहना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। राजीव भवन में लग रही प्याऊ बनी सोपेश। वहां पर एक फरियादी ने जब पानी की प्यास बुझाने के लिए पानी देखा तो पानी नहीं आ रहा था। पीड़ित फरियादी का कहना था कि राजीव भवन में पेयजल की किल्लत है। जिलाधिकारी मथुरा सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ग्रीष्मकालीन के दौरान प्यास से व्याकुल रहने वाले फरियादी जो आते हैं पेयजल की किल्लत का संज्ञान लेना चाहिए। राजीव भवन से देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा का राजीव भवन, जहां पर शोपीश नजर आ रहा है। ये पेयजल देखो, प्यास से व्याकुल है ये युवक। कहां से आए हो आप? दरअसल मैं कारव से आया हुआ हूं। अच्छा, किस संबंध में आए हो? पेंशन के संबंध में शिकायत करने के लिए आया था। तो प्यास लगी तो पानी पानी है ही नहीं, पानी देखा हाथी खड़ा हुआ है तो ये शोपीस नजर आ रहा है। शोपीस है ही नहीं ऑलरेडी। तो ये बताओ कि इस संदर्भ में आपने हमारे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उनसे भी मिला एक बार, उनसे मिले तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि चालू है, आप नीचे जाके देखो तो ये बिल्कुल ऑलरेडी चालू नहीं है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं मथुरा का राजीव भवन। और यहाँ पर देखो, एक फरियादी ने हमको बताया गर्मी का समय है और है नहीं। पानी है नहीं राजीव भवन में। एक फरियादी को पानी है नहीं तो कर्मचारी और लोग क्या कहेंगे? मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।